एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह एवं आरटीओ अनीता सिंह के संयुक्त तत्वावधान में पुलिस लाइन के पुलिस सभागार कक्ष में पूर्वांचल ऑटो एसोसिएशन एवं यातायात पुलिस के साथ बैठक की गई। बैठक के दौरान टेम्पो यूनियन द्वारा शहर में विभिन्न चौराहों पर ऑटो स्टैंड बनाने की मांग की गई, जिसके संबंध में एसपी ट्रैफिक ने बताया कि सभी टेम्पो चालक 15 दिन के अंदर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगवा ले तथा गाड़ी का फिटनेस पूर्ण रूप से कर लें एवं वाहन के सभी प्रकार के कागजात पूरा रखें और अपने निर्धारित रूट पर भी चलें तथा यात्री को चौराहों से 50 मीटर पहले ही उतारें, जिससे जाम की स्थिति उत्पन्न ना हो सके। उन्होंने टेम्पो चालकों को हिदायत दिया कि अगर किसी के पास काले रंग की टेम्पो है तो उसे शहर में ना चलाएं तथा वाहन का समय समय पर प्रदूषण का मानक चेक कराते रहें, जिससे शहर को प्रदूषण से मुक्त किया जा सके। वहीं आरटीओ अनीता सिंह ने बताया कि ऑटो चालकों को रोड पर चलने के लिए टैक्स परमिट के बारे में निर्देशित किया गया और जिनका टैक्स जमा नहीं हुआ उन्हें अपना टैक्स जमा करने के लिए कहा गया है। इस अवसर पर यातायात निरीक्षक मनोज राय, यातायात उप निरीक्षक राम वृक्ष यादव सहित टेम्पो यूनियन के पदाधिकारी तथा ट्रैफिक पुलिस मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह एवं आरटीओ अनीता सिंह ने कहा, ये बताइए उधर ये ऑटो एसोसिएशन से जो आपकी बात हुई थी वहाँ चलना चाहेंगे क्या अभी ऑटो एसोसिएशन तो शाम को 6 बजे लेके जाएंगे कौन तो शाम को 6 बजे रखते हैं ये सारे पॉइंट घूम लेते हैं शाम को 6 बजे हम वहीं पहुँच जाएंगे। दूसरी बात जो सर स्टैंड से हट की गाड़ियों को अवैध तरीके से लगती है, जैसे आपका गणेश चौराहा हो गया, रेलवे का प्रीपेड है अंदर वहाँ से गाड़ियाँ संचालित होती हैं, लेकिन रेलवे प्रीपेड से बाहर पटरू पे मतलब रोड पे गाड़ियाँ लगती हैं, उन गाड़ियों को व्यवस्थित अंदर उनको कर दिया जाए, रोड के न रहें। ये सब चीज़ हो जाए, धर्मशाला पुल के नीचे बराबर गाड़ियाँ ऑटो लगी रहती हैं और इस समय जो कि महाराज जी का सख्त निर्देश है, निर्देश होने के बावजूद वहाँ पे गाड़ियाँ जब जाएंगे सर तो वहाँ पे पुल के नीचे पाएंगे पूरा पुल सर जा। जो व्यवस्थित स्टैंड था, जो व्यवस्थित स्टैंड चल रहा था उन निर्देश के क्रम में उसको खुद वहाँ से लोग हट गए, लेकिन जहाँ जहाँ अव्यवस्थित है वहाँ फिलहाल अभी भी गाड़ियाँ उसी तरह चल रही हैं, कोई न रुकने वाला है न कोई रुकने वाला है। अपना वो बना दे रहे हैं वो मंडी का भी यही दशा है। सारे बताइए आपके पास जितने ऑटो हैं जी, मतलब आपके समिति तो कितने हैं सर, जितने भी गैस लाइन लगा रहे हैं उसके बाद ये देखिए रात लाइन लगाते हैं, इसके बावजूद गैस मिलता नहीं है। 2 बजे रात को सर ये नंबर लगाता है और 11 बजे से गैस मिलती है। संदर्भ बढ़वा दें बिल्कुल बिल्कुल सर। अगर कितने पहले बताओ आइडिया होगा, 7 रबी नहीं मेन रोड पर तो कोई अभी जगह जमीन है नहीं, कोई दिया गया जो भी दिया गया रोड के किनारे वो पार्किंग बना के दे, जो छत के सामने जो दुकानें बनी है सर वो सामने सब लगने उनका पार्किंग था, लेकिन सभी दुकानदार अपने आगे बनाते 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 लगभग 20 मीटर से भी ज़्यादा वो जो पार्किंग का स्पेस है और पार्किंग की जगह ऑटो की थी आज 50 साल से वो उसको कब्जा कर लिया। हाँ ये बात सही है, वो खाली हो जाए कभी अब खाली हो जाए सर तो वहाँ कभी जाम लगता है जो 50 साल का हम चाहते हैं कि ये अच्छी व्यवस्था देने के लिए तैयार हैं, हम आपके साथ मिल के सर को एक अच्छी व्यवस्था देने के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं, आप बस हमें बताएं कि कैसे क्या करना है क्या नहीं, पूरी संगठन आपके साथ सर एक अच्छी व्यवस्था देंगे, लेकिन इसमें कभी उत्पीड़न के नाम पे कभी किसी और चीज़ के नाम पे डाइवर्ट हमेशा संगठन हो जाता है, बात एक चीज़ बनाना है दूसरा तुरंत हो जाता है बिगड़ने वाला, ये कैसे हो गया
पहले एक व्यवस्था दें, व्यवस्था देने के बाद कहाँ कमी आ रही है, जैसे गैस की बात है, गैस की कमियाँ कहाँ से आ रही हैं, क्यों फिलिंग हो नहीं पा रहा है, क्यों गैस कम आ रही है, उस पर फोकस किया जाए। ये गैस भरपूर आने लगी, टंकी कहाँ कितनी शहर में चाहिए, कितनी टंकी से फिलिंग हर आटो का हो जाएगा, उस हिसाब से टंकी व्यवस्थित हो जाए। खड़ा नहीं होने दी चल रही है, प्राइवेट गाड़ियाँ का क्या होता है, वो टैक्सी तो होगा, टैक्सी में नहीं, प्राइवेट नहीं है, कमर्शियल नहीं है, प्राइवेट है। इसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी से बोला गया था कि ऑनलाइन एक प्रीपेड टैक्सी की सुविधा खोल दे वहाँ पर, तो उन्होंने शायद टेंडर वेंडर किया है इस चीज़ का, अभी तक उसका फाइनलाइज नहीं हुआ है। किसने किया है एयरपोर्ट अथॉरिटी? आर टी ओ साहब व्यवस्था टैक्सियों के लिए कॉमन है, वो जो 50 रुपया प्रति लोग होता है बहुत महंगा है, और वो तो हम लोगों ने बोला कि महंगा है 50, तो वहाँ पे कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो, जैसे बनारस एयरपोर्ट पर है, तो नंबर प्लेट को सीधा तो लिखवा लो, पढ़ने में तो आ जाए, बाबा पापा नाना टेढ़ा मेढ़ा लिखा हुआ तो ला लीजिए, कम से कम साफ तो लिखे, जो 2 इंच का साइज है कितना लिखेगा, 2 इंच का मतलब एच एस आदमी जब तक नहीं मिले तब तक स्टैंडर्ड तो मिले ना, नंबर तो ना लिखे कम से कम। टहलने जाओ सुबह रोड पे, इतना खराब व्यू लगता है सुबह सुबह 5 बजे 6 बजे यूनिवर्सिटी चौक पे कि पता नंबर प्लेट ही नहीं है। लेकिन जो भी स्टैंडर्ड रूल है वो परिवहन विभाग और आपके बीच है, आप चालक हैं या अध्यक्ष हैं उसके, तो आप लोग उसकी पूर्ति कराएं ताकि, क्योंकि कोई ऐसी दुर्घटना हो गई, मान लीजिए दुर्घटना का तो कोई समय होता नहीं है, किसी डंपर में किसी ऑटो में हिट किया, कोई 2, 4, 5, 6 कैजुअल्टी हो गई, जिस स्तर की नोट बनी तो इन सब चीज़ों की जांच होगी, तो जांच की आँख हमारे ऊपर भी आएगी, तो हम क्यों उस जाँच के लिए झेले, हम क्यों उस आग में झेले, और आपके ऊपर भी नहीं आनी चाहिए भाई, आप एक आजीविका चला रहे हैं। पूर्वांचल ऑटो एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ एसपी ट्रैफिक और मेरे द्वारा एक बैठक अरेंज की गई थी, जिसमें उनके द्वारा उनकी समस्याएं सुनी गई और उनको टैक्स परमिट रूट पे चलने के लिए निर्देशित किया गया, और ये भी बताया गया कि अगर कोरोना काल में अगर उनका टैक्स नहीं है तो उस टैक्स को जमा करा दें, उनके पेनल्टी में जो भी सुविधाएं हो सकती हैं हम लोग उनको सुविधाएं देकर टैक्स जमा कराने के लिए उनको हम लोगों ने प्रेरित किया है, और उनको 2-3 चीज़ों पर निर्देशित भी किया है और सहयोग की अपेक्षा भी की है कि वो लोग सिटी में ना चल के बाहर अपना चलें और बाएं तरफ की लेन खाली करें और किसी भी चौराहे पे ना सवारी चढ़ाएं ना उतारें, इसके लिए उन लोगों ने हमें सहयोग का जो है अपने सहयोग के लिए हमें आश्वस्त किया था। उनको हम लोगों ने आज की शहर में ना लेने के लिए उनको निर्देशित जो किया गया है उसमें अभी स्टैंड प्रस्तावित किया जा रहा है, स्टैंड को उनको दिखा दिया जाएगा और वो निर्धारित स्टैंड पर ही अपनी वाहन खड़ी करेंगे और शहर में नहीं आएंगे, उनका ऐसा आश्वासन मिला है। गौरक्ष पूर्वांचल ऑटो एसोसिएशन के पदाधिकारियों की आज मीटिंग की गई, उस मीटिंग में उनकी समस्याओं को सुना गया और उनके लिए शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने में सहयोग देने के लिए उनको दिशा निर्देश दिए गए, उनसे अनुरोध किया गया कि अपने सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाएं और जिस रूट का परमिट है उसी रूट पर चलें, वाहनों की अपनी फिटनेस पूरी कर लें और वाहनों में बाहर से कोई मॉडिफिकेशन ना लगाएं, इसके लिए उनके लिए समय दिया गया है कि इस काम के लिए आप लोग बिल्कुल नियम और कायदे से अपने वाहनों को दुरुस्त कर लीजिए और बढ़िया और सुंदर हमें शहर की यातायात व्यवस्था बनानी है, शहर का रूप और डिसिप्लिन तरीके से ऑटो का यहाँ पे संचालन हो, सब ने सहयोग का आश्वासन दिया है और इसके बावजूद भी कुछ लोग अगर नहीं मानेंगे, इस व्यवस्था को स्वीकार नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ़ विधिक कार्यवाही की जाएगी।
इनके लिए समय दिया गया है कि HSRP में अभी चूंकि काफ़ी लोड चल रहा है, जब से हम लोगों ने इस पे ड्राइव पे काफ़ी जोर दिया है, तो HSRP इशू करने वाले जो डीलर्स हैं उन पे काफ़ी प्रेशर है, तो इनको 15 दिन का समय दिया गया कि 15 दिन के अंदर अप्लाई कर दें। अगर कोई 15 दिन के अंदर अप्लाई नहीं करेगा तो उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी।